हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिताज मैजिकल व्यूज। आज हम बात करेंगे औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट यानी मिंट के बारे में। इसे पुदीना भी बोलते हैं। इसको घर पे ग्रो करना बेहद आसान है। इसे आप कटिंग से या तो फिर जड़ के सहित अगर आपको ये कहीं मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप दोनों तरीके से इसको अपने घर में लगा सकते हैं और एक बार लगाने के बाद ये काफ़ी दिनों तक आपका चलता है और आप इसे आराम से यूज में ले सकते हैं। बात अगर इसकी सॉइल की करें तो आप इसे नॉर्मल सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन यह है कि इसमें कभी कभी फंगस या कीड़े भी लग जाते हैं। अगर इसमें फंगस या कीड़े हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से वॉश आउट कर सकते हैं। वॉश आउट करने से ये होगा कि वो निकल जाएगा और आपका प्लांट भी बच जाएगा, कीड़े इससे हट जाएंगे। अगर आपको इसमें कभी कोई फर्टिलाइज़र देना है तो आप इसमें गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र या तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको केमिकल वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इसमें वो फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो ये आप जो यूज करते हैं खाने में तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इस वजह से हमारे प्लांट में तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कीड़ा लग गया था। ये ग्रीन कलर का छोटा सा कीड़ा था जो हमारे ये जो मिंट की पत्तियाँ हैं उनको खा रहा था। तो मैंने अभी कल इसमें थोड़ी सी जो है ना इसकी कटिंग भी की है, दूसरी जगह इसको ग्रो किया है और इसका अच्छी तरीके से वॉश भी किया है। इसको फिजिकली तरीके से अच्छी तरीके से इसको वॉश किया है तो अब भी इसमें कीड़े नहीं हैं। इस प्लांट को मॉइस्ट बहुत पसंद होता है, जो नमी वाली जगह होती हैं वो बहुत इसे अच्छी लगती हैं। तो अगर आप इसको लेकिन ये है कि इसकी मिट्टी जो है ना हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, मतलब कि गीली होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ सनलाइट भी अच्छी तरीके से आती हो, क्योंकि इसे प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियाँ फिर ख़राब होने लग जाती हैं। और अगर इसमें आप ओवर वाटरिंग करेंगे, पानी ज़्यादा होगा, तो फिर भी इसकी जो जड़ें होती हैं ना उससे भी ये ख़राब हो जाता है। बहुत ही जल्दी सड़ने लग जाता है और ख़राब होने लग जाता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपके यहाँ बहुत लंबे टाइम तक बना रहे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसमें ओवर वाटरिंग से बचना होगा। आप इसे किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, जैसे कि कोई बास्केट हो, गमला हो, पॉट हो, छोटा कोई पॉट हो, डलिया हो, मतलब किसी में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने देखिए इसमें एक इसमें पॉट में ग्रो किया हुआ है, गमले में, ये बड़ा गमला है तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से निकला हुआ भी है। और एक जगह मैंने इसको दो जगह मैंने इसको और भी ग्रो किया हुआ है। ये मैंने इसे बास्केट में भी ग्रो किया, इसे मैंने अभी दो दिन पहले ही लगाया है। छोटा सा प्लांट था बहुत, लेकिन अब ये है कि इसमें ग्रोइंग अच्छी तरीके से हो रही है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये पुदीना का प्लांट लगाना है घर में तो बस उसको थोड़ी सी केयर देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ये काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। और ये औषधीय गुणों से भी बहुत भरपूर होता है, तो इसे खाने में भी आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और इसकी जो खुशबू है वो तो बहुत ही लाजवाब है। इसकी जो मिंट की पत्तियाँ होती हैं इसको आप जब टच करते हैं तब भी ये आपके हाथों में एक बेहतरीन खुशबू छोड़ देता है। तो ये थी मिंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय बाय।